हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया प्रिंटर लेके फिर से आ गया हूँ। और ये प्रिंटर जो है, बहुत से लोगों ने बोला था कि अनबॉक्सिंग करके ये प्रिंटर का मुझे कुछ डिटेल बताइए, तो इसीलिए आज मैं ये प्रिंटर लेके आया हूँ अनबॉक्सिंग का। दोस्तों, मैं हूँ नरेंद्र, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो मुझे सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना। तो चलिए कुछ नया देखते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रिंटर है ये HP का लेज़र जेट प्रिंटर है, 1000W। 1000W यानी कि 1000W। W का मीनिंग आने का मतलब हो जाता है कि वो प्रिंटर वाईफाई वाला है। आप कोई भी प्रिंटर अगर देखेंगे, अगर उसके लास्ट में मॉडल नंबर के W लगा रहता है तो इसका मतलब हो जाता है वो प्रिंटर वाईफाई वाला है। तो ये वाईफाई वाला प्रिंटर है और ये HP का लेज़र जेट नेवर स्टॉप प्रिंटर 1000W करके हैं। इसमें एक USB केबल आता है, एक पावर केबल आता है और कुछ यूज़र मैनुअल आता है इसके साथ में। और ये जो है, आप अपने PC पे, लैपटॉप पे आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें ओनली प्रिंट आता है, प्रिंट आता है इसमें, और इसमें स्कैनर वगैरह नहीं है, ओनली प्रिंट है। बट इसमें एक बहुत ही बड़ी बेनिफिट है ये प्रिंटर में कि अगर जैसे आपके पास कोई प्रिंटर है, आप उसका जब भी इंक पाउडर यानी कि टोनर उसका जब भी ख़त्म होता है तो आपको क्या करना रहता है, आप उसको रिफ़िल करा सकते हो। वो शॉप में जाके आप रिफ़िल करवाते हैं और उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 1400 यानी 1400 तक पेजेस निकलते हैं। इसमें वैसा नहीं है, ये इसमें आपको बहुत ज़्यादा पेजेस आते हैं, इसमें अप टू 5000 आते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें सबसे बड़ी खास बात है कि आपको दुकान पे ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है रिफ़िल कराने के लिए। इसको आप खुद अपने घर पे रिफ़िल कर सकते हो। इसका एक सिरिंज भी आता है जिसके अंदर पाउडर ऑलरेडी भरा रहता है, वो लगभग 700 के आसपास में आता है। आप उसको शॉप में से ख़रीद लीजिए और इसके अंदर वो सिरिंज लगा के आप इंजेक्शन जैसे पुश किया जाता है उसी तरह से आप पुश कर दीजिए और यहाँ पे आपका ये प्रिंटर जो है रिफ़िल हो जाएगा। और यहाँ पे जो दिख रहा है ये ब्लैक कलर का, यहाँ पे आपको वो इंक का लेवल बताएगा टोनर का। जैसे आपने सुना होगा कि HP में और भी ढेर सारे ब्रांड में इंक टैंक प्रिंटर आया हुआ है, उसी तरह से ये लेज़र जेट टैंक प्रिंटर है, यानी कि ये टोनर टैंक वाला प्रिंटर है। दूसरे प्रिंटर के आप कार्टेज टोनर देखेंगे तो बहुत छोटे आते हैं, बट इसके टोनर बहुत बड़े आते हैं। इसमें आप पाउडर ढेर सारा भर सकते हो, इसमें पेजेस भी आपको 5000 तक में आते हैं। तो इसीलिए दूसरे पेजेस प्रिंटर से काफ़ी ये अच्छा है, आपको बार बार रिफ़िल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास जब प्रिंटर आप दोस्तों बाय करोगे तो इस तरह से आपको उसको ओपन करना है। मैंने आपको दिखाया स्टिकर किस तरह से निकालना है, आराम से स्टिकर निकालने के बाद में इस तरह से ये कवर ओपन करना है। यहाँ पे आपको देखिए कुछ दिख रहा होगा रेड कलर का, उसको क्या करना है, उसको अच्छे से रिमूव करना है। यहाँ पे देखिए ये पेपर है, इसको भी रिमूव कर लेना है और इसके बाद में ये जो रेड कलर वाला है उसको भी रिमूव कर लेना है। आप उसको पहले इसे कार्ट्रिज पकड़ के निकालिए एकदम आराम से और आपका क्या होगा, ये आप इसके बाद में उसको आप रिमूव कर दीजिए। और ये देखिए आपको दिख रहा होगा टोनर काफ़ी बड़ा है, तो बड़ा ये इसीलिए है कि इसमें आप पाउडर बहुत ज़्यादा डाल सकते हैं। आप जितना इसमें पाउडर ज़्यादा डालेंगे उतना ही ज़्यादा आप पेजेस निकाल सकते हैं, आपको बार बार रिफ़िल कराने का झंझट नहीं रहेगा। इसको आपको खींच के निकाल लेना है, प्यार से निकालना है, पूरा निकल जाना चाहिए, आपको उसको तोड़ना नहीं है, काटना नहीं है। देखिए इस तरह से आपको इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद में आप प्रिंटर जैसे पहले था टोनर उसी तरह से बिठा दीजिए। रिफ़िल करने का मैंने दिखा दिया किस तरह से रिफ़िल करना है। इसके जो ड्राइवर होते हैं ऑनलाइन HP.com पे इजीली मिल जाते हैं, आप वहाँ पे जाएंगे, सर्च करेंगे प्रिंटर आपको मिलेगा, प्रिंटर पे क्लिक करके मॉडल नंबर डालेंगे HP लेज़र जेट या लेज़र जेट 1000W, आपको वहाँ से ड्राइवर मिल जाएगा। आप इजीली एकदम आराम से इंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर आपका कुछ क्वेरीज रहेगा आप मुझे कमेंट भी करना, मैं आपको उसकी रिप्लाई भी दे दूंगा। और यहाँ से आप उसको रिफ़िल कर सकते हो, इसमें ओनली प्रिंट आता है। इसे हैवी एक मॉडल आता है 1200W, उसमें प्रिंट स्कैन कॉपी जेरोक्स और वाईफाई आता है, इसमें ओनली प्रिंट और वाईफाई आता है। प्रिंटर काफ़ी अच्छा है, इसमें डुप्लेक्स प्रिंटर भी आता है, आप इसको टू दोनों साइड आप इसमें प्रिंट निकाल सकते हो। आपको पेज को है पलट उल्टा पलटी करके नहीं रखना पड़ता है, दोनों साइड आप इसमें प्रिंट निकाल सकते हो। इसमें डुप्लेक्स प्रिंटर भी है और इसमें कुछ इसके एक्सेसरीज है जो सामने आपको फ्रंट में लगाना रहता है, वो बॉक्स के अंदर मिल जाता है, आपको लगाना है। और पीछे देखिए आपको यहाँ पे एक पोर्ट मिलता है, या यहाँ पे पावर लगाने का, एक USB लगाने का। तो दोस्तों, ये रहा पूरा प्रिंटर के बारे में नॉलेज। और ये जो मार्केट में जो प्राइस है ये 13,500 से 14,000 के बीच में आपको मिल जाएगा। प्रिंटर काफ़ी अच्छा है, होम ऑफिस यूज़ के लिए आप इसको बाय कर सकते हो। लेज़र जेट प्रिंटर टिकाऊ रहता है, 1 ईयर वारंटी के साथ में आता है। तो दोस्तों, अगर आपका कुछ क्वेरीज है मुझे कमेंट करना, रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।